नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड हैं तथा वही प्रश्नों को लिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है। तो सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटी से किसका जनरली जो संबंध है। आपको चैप्टर 5 में प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ाया गया, चैप्टर 6 में द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ाया गया। उसका हर एक वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। तो प्रश्न भी आपका यहां पे है कि कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, व्हिच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटीज। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी व्यापार। क्योंकि देखिए, तृतीयक क्रियाकलाप का मतलब होता है जिसमें आपको सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें आपको कोई सेवा सर्विस प्रदान किया जाता है, उसी को तृतीयक क्रियाकलाप कहा जाता है। तो व्यापार आपके सही जवाब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या, क्योंकि देखिए और भी ऑप्शन जो है आपके, खेती आपका प्राइमरी एक्टिविटीज, बुनाई आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज, आखेट आपका प्राइमरी एक्टिविटीज, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये आपका टर्शियरी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर कहता है कि विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्य श्रमिक किस क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में, तो विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ज्यादातर लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, और सेवाएं किस तरह के क्रियाकलाप में आता है आपका, तृतीय क्रियाकलाप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है आपका हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न आपको सारे समझ में आएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, तीसरा नंबर कहता है कि तृतीयक क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय क्या सम्मिलित होता है। तो देखिए, मूर्त वस्तुओं का तो उत्पादन होता ही होता है, साथ साथ इसमें सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन भी जो होता है वो सम्मिलित होता है। तो कच्चे माल के प्रक्रमण की जरूरत, तो सेकेंडरी में आपका ज्ञान व क्रियात्मक प्रशिक्षण, ये टर्शियरी में आता है, लेकिन थोड़ा सा मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय पूछ रहा है, तो सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन। फोर्थ नंबर प्रश्न देखिए कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, ऑप्शन है व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, इनमें से सभी। व्यापार भी टर्शियरी एक्टिविटीज, सेवाएं प्रदान करता है ये भी, परिवहन भी आपको सेवा प्रदान करता है, और संचार और सेवाएं भी आपको क्या करता है, तो सेवा प्रदान करता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तृतीय क्रियाकलाप से कौन कौन संबंधित है, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट आप देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, और बच्चे मेरे से ये प्रश्न को बार बार पूछते रहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन भी आपका पर्यटन हो जाएगा। पर्यटन जो है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। अगला देखिएगा, सिक्स नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। ऑप्शन है विनिर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, कागज निर्माण उद्योग, विश्वविद्यालय अध्यापन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्वविद्यालय अध्यापन जो होता है वो आपका चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तृतीयक में पढ़ना है, चतुर्थ में भी, तृतीयक से थोड़ा सा मॉडिफाई होकर आपका चतुर्थ क्रियाकलाप बनता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, सेवन नंबर जो प्रश्न है आपका, सेवन नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, कहा गया सेवन नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में सबसे ज्यादा सेवाएं प्रदान की जाती है, तो तृतीय क्रियाकलाप जो होता है, क्योंकि प्राथमिक का संबंध जनरली आपके गांव देहात से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग कृषि में होते हैं, मछली पकड़ते हैं, ये सारा आखेटन है, तो ये सब आपका आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एट नंबर क्या कहता है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। तो जो उच्च परिणाम और अस्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को आपका पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है, उच्च वाला, जैसे बाह्य श्रुतिकरण हो गया, ये सब जो सबसे उच्च हो गया उसको पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका यहां पे रखा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि स्वर्ण कॉलर संबंधित है। आपने पढ़ा था चैप्टर 5 में लाल कॉलर का संबंध किससे है, तो लाल कॉलर का संबंध जो था वो प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज के मजदूरों से था। तो ध्यान दीजिएगा, आप पूछा है स्वर्ण कॉलर का संबंध, तो स्वर्ण कॉलर का संबंध पंचम क्रियाकलाप से। देखिए, लाल कॉलर का संबंध प्राथमिक क्रियाकलाप से और स्वर्ण कॉलर का संबंध पंचम क्रियाकलाप से, ध्यान में रखिएगा दोनों में। 10 नंबर है, निम्न में से फुटकर व्यापार सेवाएं कौन सी है। फुटकर व्यापार सेवा, तो जो आपका होता है फेरी होता है, रेहड़ी होता है, ट्रक फार्मिंग होता है, ये सब आपका फुटकर व्यापार सेवा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे, मतलब फार्मिंग नहीं, मतलब एक तरह से सेवा सर्विसेस हो गया। 11 नंबर आपका क्या कहता है कि परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो परिवहन को जो प्रभावित करता है वो कारक कौन है, भौगोलिक, जनसंख्या, आकार, प्राकृतिक या संचार सेवा। तो जनसंख्या का आकार जो होता है वही परिवहन को प्रभावित करता है, ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करने का कारक मेन है पॉपुलेशन, तो जनसंख्या का जो आकार होता है, जो साइज होता है, वही जो होता है वो परिवहन सेवाओं को प्रभावित करता है, ये भी आप समझिएगा। अगला देखिएगा 12 नंबर, इनमें से उच्च स्तरीय सेवा कौन सी है। सब उच्च स्तरीय सेवा, चिकित्सक, माली, धोबी,
भी नाई, तो नाई तो निम्न है, धोबी भी निम्न है, माली भी निम्न है। सही आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा चिकित्सक जो है वो सेवा है जो आपका उच्च स्तरीय है। हालांकि माली धोबी नाई ये सब आपका टर्शियरी एक्टिविटीज में आ गया, क्योंकि ये सब सारे लोग जो होते हैं वो सेवा को ही देते हैं, सेवा प्रदान ही करते हैं, इसलिए आप ध्यान में रखोगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 कहता है कि इनमें निम्न स्तरीय सेवा कौन सी है, संगीतकार, वकील, मानसिक श्रम या नाई। तो नाई जो है वो निम्न स्तरीय सेवा है, संगीतकार भी आपका जो सेवा प्रदान होता है वो आपका उच्च है, वकील का भी उच्च है, मानसिक श्रम भी उच्च है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नाई। नेक्स्ट देखिए, मुंबई की डब्बा वाला सेवा किस क्रियाकलाप का अंग है। तो मुंबई की डब्बा वाला सेवा जो है जनरली सेवा जिसमें सेवा आ गया ना वो आपका तृतीय क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन डी आपका तृतीय क्रियाकलाप, जिसमें सेवा आ गया वो आपका टर्शियरी एक्टिविटीज में आ गया, ध्यान में रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग सेवाओं में कार्यरत हैं। तो 75% जो लोग हैं वो सेवाओं में ही कार्यरत हैं, यानी कि वहाँ पे टर्शियरी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है। 16 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सी चीज़ व्यापार के बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। प्रमोद मतलब आनंद के लिए, तो याद रखिएगा पर्यटन जो होता है वो आनंद के लिए मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा किया जाता है व्यापार के बजाय भी। और ये आपका इसमें बहुत लोगों को सेवा प्रदान मतलब खाने की सेवा, रहने का सेवा दिया जाता है ना, तो इसीलिए। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, कहाँ में, जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में मेडिकेयर, कूर्ग या सभी। तो यहाँ पे सभी घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उठ रहा है, लोग घर में रहते हैं, लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, तो उन लोगों को सेवा प्रदान करते हैं और वो लोग अपना फल मतलब जो भी भरण पोषण है वो कर लेते हैं, तो ये ध्यान देंगे। 18 है कि इनमें से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है। तो 18 नंबर प्रश्न को देखिए, चतुर्थ क्रियाकलाप आपसे पूछा है, तो ऑप्शन डी देखिए, सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन, अनुसंधान और विकास, ये सब आपके चतुर्थ क्रियाकलाप में ही आते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए कितने हजार रोगी जो थे भारत आए थे। तो 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए कितने हजार रोगी भारत आए थे, 55,000 जो रोगी थे वो भारत आए थे। इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश कौन सा है। तो अपना भारत जो है वो चिकित्सा पर्यटन में सबसे अग्रणी देश है। 21 नंबर, निम्न में से ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के PO का कौन सा उदाहरण है। तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा, ये सब आपका पंचम क्रियाकलाप में ही आता है और ये सब आपके बाह्य स्रोतन का एक तरह का अंग है, उदाहरण है। 22 देखिएगा, इनमें से किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो सबसे ज्यादा यूरोप में, क्योंकि यूरोप आपका भूमध्य सागरीय उपमहाद्वीप में ही सब है, तो वहां पे घूमने वाले ज्यादा जगह है, तो इसलिए यूरोप आपका सही आंसर हो जाएगा। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते, तो यूरोप आपके सही जवाब हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। तो हेमेटाइट अयस्क से दोस्तों किस धातु का उत्पादन होता है, तांबा, लोहा, मैंगनीज या बॉक्साइट। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लोहा जो होता है, लोहा का जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट होता है। नेक्स्ट आप देखिए, वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति किसके द्वारा की गई। तो वैश्विक संचार तंत्र में यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में क्रांति इंटरनेट के द्वारा, आज बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग बहुत सारे कार्य को कर रहे हैं। आपने देखा 5G भी लॉन्च होने वाला है, जिसके द्वारा अब बहुत मतलब सुविधाएं हैं जो कि आपका मतलब आपको मिल सकती है, घर बैठे आपको डॉक्टर का उपचार भी मिल सकता है। बोलिए कैसे सर, क्योंकि अरे भाई इंटरनेट की सुविधा फास्ट रहेगी तो डॉक्टर वहां से, कोई भी टेम्पोररी डॉक्टर भी आएगा तो बड़े डॉक्टर वहां से इंस्ट्रक्शन देकर कार्य को करवा सकते हैं ना। संचार उदाहरण है, तो संचार आपका तृतीय क्रियाकलाप का ही उदाहरण है। तो इस तरह से इस चैप्टर के भी हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया। तो चैप्टर 5, 6, 7 जो आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक था, यहां पे इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। इसमें आपको सारे के सारे अच्छे से ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए गए हैं, जितना मैंने कराया है उससे बाहर आपका नहीं आएगा। चैप्टर 5, 6, 7 आप लोग ध्यान रखिएगा, यूनिट आपका ये 3 था, तीसरे यूनिट में आपको 3-4 चैप्टर, आपके एक और चैप्टर है जो आपको पढ़ना है आपका परिवहन वाला, तो उस चैप्टर को भी मैं जल्द ही करा दूंगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर 3 ये समाप्त हो गया है। तो आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम समय मैंने इस चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया है, तो आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्लियर।